इसराइल टू इंडिया के एम्बेसडर नावर गिलॉन को ट्विटर में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है उसमें हॉलोकॉस्ट और हिटलर की काफी तारीफ की गई है। ये मैसेज उन्हें दी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रहे विवाद के कुछ दिनों बाद ही मिला है। इसराइल टू इंडिया के एम्बेसडर नावर गिलॉन को ट्विटर में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। जब से उन्होंने इंडिया के सपोर्ट में बयान दिया है तब से उन्हें ये थ्रेट्स मिल रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है जिसमें इंडिया को लेकर अपशब्द बोले गए और उसके बाद हिटलर वॉज अ ग्रेट पर्सन लिखा गया था। ये विवाद शुरू कैसे हुआ आइए आपको बताते हैं। दरअसल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कुछ समय से इसराइल में विवाद चल रहा है और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो कोई भी उसके सपोर्ट में बोल रहा है उनको लोगों का हेट मिल रहा है और इसी हेट के शिकार इसराइल के राजदूत नावर गिलॉन हुए। ये जो स्क्रीनशॉट है उसमें हॉलोकॉस्ट और हिटलर की काफी तारीफ की गई है। ये मैसेज उन्हें दी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रहे विवाद के कुछ दिनों बाद ही मिला है। गिलॉन ने कहा कि वो उस व्यक्ति की पहचान छिपा रहे हैं जिसने उन्हें वार्निंग देते हुए ये मैसेज किया था। गिलॉन ने पब्लिकली इसराइल के एक फिल्म मेकर की निंदा की थी जिसने गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म कश्मीर फाइल्स को एक वल्गर प्रोपेगेंडा कहा था। उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर एक ओपन लेटर में भारत से माफी मांगी क्योंकि नादव लापिड ने फिल्म फेस्टिवल में एकदम से इस फिल्म को रोक दिया था। गिलॉन ने आगे कहा कि लापिड ने जजेस के पैनल में इंडियन इनविटेशन का सबसे खराब तरीके से दुरुपयोग किया है। भारतीय संस्कृति की अगर बात की जाए तो भारत में एक अतिथि भगवान की तरह होता है। आपने @IFFI गोवा में जजेस के पैनल को लीक करते हुए इंडियन इनविटेशन के साथ साथ विश्वास सम्मान और आतिथ्य का सबसे खराब तरीके से दुरुपयोग किया है। ये कहना था गिलॉन का। लापिड ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर्स द कश्मीर फाइल्स से डिस्टर्ब और शॉक थे। दो दिन बाद उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया हो तो वो माफी मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य कश्मीरी पंडितों या पंडित लोगों का अपमान करना नहीं था। CNN News 18 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने क्लियरली कहा कि मेरे और मेरे साथी जूरी के लिए यह एक वल्गर प्रोपेगेंडा वाली फिल्म थी जो लायक नहीं थी। ये फिल्म इतने प्रेस्टीजियस और कॉम्पिटेटिव कैटेगरी के लायक नहीं थी। मैं ये बात बार बार दोहरा सकता हूँ। नादव लापिड ने अपने बयानों के लिए क्लैरिटी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा कि अगर उनके मैसेजेस को गलत पढ़ा गया है तो वो माफी मांगते हैं। नादव लापिड के इस बयान की लगातार निंदा हो रही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बताएं और हमारे चैनल ऑन ए भारत को सब्सक्राइब कीजिए।